महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को लेकर बड़ा हमला किया है, साथ ही अजीत पवार को बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने खुद को अजीत पवार से ज्यादा काबिल बताते हुए कहा कि उनमें पार्टी को संभालने की बेहद क्षमता है। पार्टी के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारी प्रेरणा यशवंत राव चौहान है। अजीत पवार खेमा मेरे बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसी को चौहान की विरासत को आगे ले जाने का अधिकार है तो वो सुप्रिया सुले यानी मैं हूँ। दरअसल एनसीपी के दोनों गुट महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री चौहान की शपथ लेते हैं। सुले ने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चौहान के आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं, वे केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के सामने पीछे हट गए हैं। वो डर गए थे लेकिन मैं नहीं डरती, और इसका कारण है कि मैं ईमानदार हूँ। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, ना तो मेरे पति ठेकेदार हैं और ना ही मैं हूँ। उन्होंने कहा, मैं उच्च शिक्षित हूँ, अगर मैं चाहती तो पुणे में एक निजी कंपनी का CEO होती। जब मैं राजनीति में आई तो मैंने क्या मांगा, मैंने सिर्फ एक लोकसभा टिकट मांगा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं बदलाव लाने में शामिल होना चाहती थी। अपने भाषण के दौरान सुप्रिया सुले ने ये भी घोषणा की है कि अगर MBA सरकार सत्ता में आती है तो वो पूर्व कृषि ऋण माफ कर देगी और साथ ही राज्य सरकार में अनुबंध पर नियुक्ति बंद कर देगी। DB Live की रिपोर्ट।